वेल फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तानाजी द अनसंग वॉरियर का ट्रेलर रिलीज हो गया और इस ट्रेलर के रिलीज होने के साथ बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। क्या चर्चाएं चल रही है, क्या बोल रही है पब्लिक, क्या बोल रहे हैं अजय देवगन, सैफ अली खान और क्या बोल रहे हैं बॉलीवुड के स्टार्स। इन सारी बातों पर आज मैं चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा क्या वाकई में इस ट्रेलर ने लोगों की लगा कर रख दी है। चलो बिना देरी शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि इस मूवी के ट्रेलर को लेकर पब्लिक क्या बोल रही है। पब्लिक ये बोल रही कि भाई, मैंने इस ट्रेलर को किसी ने 100 बार देखा, किसी ने 50 बार देखा, किसी ने 25 बार देखा और इस ट्रेलर को देखकर बहुत सारे लोगों ने लाइक्स देके जो इस ट्रेलर की उपाधि बढ़ा दी है और इस ट्रेलर को बाहुबली के ट्रेलर को पीछे कर दिया। तो वाकई में अजय देवगन के इस ट्रेलर को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। अगर मैं बात करूं इस ट्रेलर के साथ ही अजय देवगन का जो सबसे बड़ा धमाका था, यानी 100 मूवी का 100वां ट्रेलर जो आज रिलीज करके पब्लिक को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, महाराष्ट्र के लोगों को तोहफा दिया है, क्योंकि वाकई में ये मूवी तानाजी द अनसंग वॉरियर तानाजी के ऊपर बनाकर एक बहुत ही बड़ी उपाधि भी हासिल की है कि 100 मूवी एक अपने पेयर यानी अपनी वाइफ के साथ मूवी कर रहे हैं और इस मूवी को वाकई में लोगों ने पसंद करके अजय देवगन को एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया है। लोगों ने ये तक बोल दिया कि इस मूवी के लिए अजय देवगन को एक बार फिर से नेशनल अवार्ड मिल जाना चाहिए। और वहीं अगर मैं बात करूं कि इस मूवी के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद अजय देवगन ने बाहुबली से कंपेयर होने पर क्या बोला, अजय देवगन ने साफ ये बोला कि आप इस ट्रेलर को किसी से भी कंपेयर ना करें, क्योंकि हमने बॉलीवुड में कुछ अलग उतारा है, तो प्लीज़ आप इसको देखिए और समझिए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और इस ट्रेलर के साथ ही इस वीडियो को भी अगर लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना। तो दोस्तों, इसके साथ ही सैफ अली खान ने ये बोला कि जब वो शूट के लिए गए तो अजय देवगन फिल्म्स के बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए थे और वहाँ पर ग्रीन क्रोमा और ब्लू क्रोमा लगा हुआ था और उस क्रोमा के दौरान ही सारी मूवी ज़्यादातर शूट हुई है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा VFX दिखाया गया है। अगर मैं बात करूं, अगर हम अपने पीछे कोई क्रोमा लगा देते हैं यानी ग्रीन कर्टन और उसको हटा के हम यहाँ पर पिछले अलग अलग VFX करके कई सारे सीन्स दिखा सकते हैं, तो वैसा ही कुछ दर्शाया गया तानाजी द अनसंग वॉरियर में। और इस मूवी के ट्रेलर से पहले जब अजय देवगन ने इसको पोस्ट किया था तो इसमें अक्षय कुमार ने भी तारीफ की, शाहरुख खान ने भी तारीफ की और बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टार्स ने भी तारीफ की। वाकई में इस ट्रेलर की उपाधि अजय देवगन को एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिलना चाहिए इसके लिए। और इस मूवी को मेरे हिसाब से बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलेंगे। क्यों? बहुत सारे रीजंस है, इस रीजंस के को भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, क्यों दिए जाएंगे अवार्ड और क्यों मिलना चाहिए और वाकई में क्या ये ट्रेलर पब्लिक के लिए एक धमाका मचा के गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अजय देवगन के इस ट्रेलर को वाकई में आपने कितना पसंद किया? अगर आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है और ये वीडियो भी आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करो और बताओ कि वाकई में ये ट्रेलर कैसा था और इस ट्रेलर को लेकर जो सैफ अली खान, अजय देवगन के कमेंट्स थे वो कैसे थे और जो बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स थे उनके कमेंट्स थे कैसे थे। आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप भी कमेंट करिए और बताइए और हमसे जुड़े रहने के लिए बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब दबाइए और घंटा ज़रूर दबा लेना, क्योंकि हम आपसे अपडेट भी होते रहते हैं। हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।